नीट और नेट इम्तिहान में धांधली में छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन बताता है कि उनमें आक्रोश है। अब इस आक्रोश को कांग्रेस सियासी तौर पर भुनाना चाहती है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस संसद में पेपर लीक कांड को जोर शोर से उठाएगी। सर, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे? और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है। हाँ बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन, हाँ उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। लेकिन मसला सिर्फ संसद में पेपर लीक को उठाने भर का नहीं है। कांग्रेस को पेपर लीक के बहाने बीजेपी को घेरने का वो मुद्दा मिल गया है जो उसके पास अभी तक नहीं था। साथ ही कांग्रेस जिस नैरेटिव को लोगों के मन में बैठाना चाहती है, उसके लिए भी अब कांग्रेस के पास हथियार आ गया है। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है, और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। गौरतलब है कि नेट और नीट के इम्तिहानों से प्रभावित करीब 40 छात्र इस वक्त नाराज हैं। और अगर राहुल गांधी अपनी सियासी बाजीगरी के तहत इन छात्रों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। दूसरी तरफ बीजेपी की दिक्कत ये है कि अगर छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतर जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना खासा मुश्किल होगा। ऐसे में देखना यही होगा कि बीजेपी पेपर लीक कांड से नाराज छात्रों को और उनके अभिभावकों को कैसे हैंडल करती है। आज तक ब्यूरो।